अब टाइम है पेजेस को क्रिएट करने का पेजेस के बारे में तो शायद आपने सुना हो फेसबुक पे आजकल हर किसी ने अपना एक पेज बनाया हुआ तो हम आपको थोड़ा सा बताएंगे वर्डप्रेस के कॉन्टेक्स में कि ये पेजेस क्या होते हैं और आप इनको किस तरह से यूज करते हैं एग्जाम्पल्स तो मैंने आपको दी थी लेकिन दिस इज टाइम टू टेक अ डीप डाइव अब हम जरा डिटेल में जाके देखेंगे और मैं कुछ आपको लाइव एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा जो मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए आपको सिखाने के लिए चूज किए हैं जिससे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट सक्सेसफुल वेबसाइट पेजेस को किस तरह से यूज करें एंड हाउ पेजेस आर डिफरेंट देन पोस्ट लेट्स डू अ कैप ऑन पेजेस क्या है पेजेस पेजेस आर फॉर टाइमलेस स्टैटिक कॉन्टेंट एंड डोंट है पब्लिश डेट कॉन्टेंट जो स्टैटिक है स्टैटिक का क्या मतलब है दैट कॉन्टेंट विच डज नॉट हैव एनी सोर्ट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी या जो कंटेंट मूव नहीं करता या जिस कंटेंट को आप शायद बहुत फ्रीक्वेंटली अपडेट नहीं करते स्टैटिक कंटेंट जरूर ऑनलाइन जाके सर्च कीजिएगा यू विल गेट टू लर्न मोर अबाउट इट लेट्स डू अ क्विक क्या करते हैं पेजेस और क्या नहीं करते आर पेजेस इंटरक्टिव आप जवाब दें मुझे आर पेजेस इंटरक्टिव पेजेस आर नॉट इंटरव डू पेजेस अ टाइम स्टैम्प सोचें पे, पेजेस डू नॉट है टाइम स्टैम्प कैन पेजेस हैव कैटेगरीज़? पेजेस यूजली डू नॉट हैव कैटेगरीज लेकिन अगर आप प्लग को यूज करके अपने पेजेस को कुछ कैटेगरीज देना चाहें तो आप दे सकते हैं लेकिन बाई डिफॉल्ट पेजेस डू नॉट हैटेगरीज आर एस एस फीड्स में क्या पेजेस नजर आते हैं नो दे डू नॉट शो अप इन आर एस एस फीड्स पोस्ट फॉर्मेट्स क्या पेजेस so, तो यूज so, कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली पेजेस कैन नॉट यूज पोस्ट फॉर्मैट्स तो अगर पेजेस कुछ भी नहीं कर सकते तो आखिर पेजेस कर क्या सकते हैं वट इज इट दैट पेजेस कैन एक्चुअली डू पेजेस कैन बी हरारकल सो हरारकी एक क्रिएट कर सकते हैं पेजेस हरारकी क्या होती है कि जी आप एक पेज को दूसरे पेज के अंदर नेस्ट कर लें सो चाइल्ड पेजेस एंड पेरेंट पेजेस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो आप थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं और पेजेस कैन एक्चुअली हैव कस्टम टेम्पलेट्स दैट्स द बेनिफिट ऑफ पेजेस और पेजेस आपके कुछ मेजर कंटेंट जिस तरह अबाउट पेज हो गया कॉन्टैक्ट पेज हो गया उसको यूज़ करने के लिए भी आर ऑल्सो वेरी इफेक्टिव एग्जाम्पल्स कुछ हम लाइव अभी देखेंगे वेन वी गो देर वी लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑफ बिंग्रू डॉट कॉम वील लुक एट द एग्जाम्पल्स ऑफ डब्ल्यू पी बिगेनर डॉट कॉम एंड

कुछ सिंपल एग्जाम्पल्स है जो हम एक्सप्लोर करेंगे और बैक एंड से भी मैं आपको पेजेस दिखाऊंगा लेकिन लेट्स लुक एट दीज टॉप लिंक्स यूजली पेजेस आपको उन टॉप लिंक्स पे नजर आएंगे सो so, यहाँ पे आप देख रहे होम होम इज अ पेज विच हैज पोस्ट अबाउट इज अ पेज अबाउट पेज पे क्लिक करते हैं लेट्स सी के हमें क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलती है तो आप देख सकते हैं कि अबाउट पेज पे कॉमेंट्स का सेक्शन नहीं है इट्स नॉट इंटरएक्टिव और उसके अलावा ब्लॉग का एक पेज है कॉन्टैक्ट का एक पेज है कॉन्टैक्ट के पेज पे आप देख सकते हैं देर इज अगेन मोर इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिर इसके बैक एंड पे लेके जाना चाह रहा हूँ एंड आई वॉन्ट टू शो यू के पेजेस बैक एंड से कैसे लगते हैं हमने लॉग इन किया और आप आप देख रहे हैं कि लेफ्ट पे पेजेस आर द सेम जिस तरह पोस्ट नजर आती हैं पेजेस का एक पूरा सेक्शन है लेकिन उस पर ज्यादा ऑप्शन नहीं है एक ऑप्शन है ऑल पेजेस एक ऑप्शन है एड न्यू सो हम ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं और सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको सिखाया है आप स्क्रीन ऑप्शन पे अगर कोई चीज़ इनेबल या डिसेबल करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं और ये देख रहे हैं कि काफ़ी पेजेस यहाँ पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं तो so, आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि जब आप वर्ड प्रेस पहली दफ़ा इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पेजेस वर्ड प्रेस खुद एज डेमो इंस्टॉल कर देता है आपको दिखाने के लिए कि आप पेजेस प्लीज़ बनाएं आप प्लेज प्लीज़ अपडेट करें तो so, हैरान ना होइएगा इन पेजेस को देख के बिकॉज दीज पेजेस वर क्रिएटेड बाई वर्ड प्रेस ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन फेज एंड यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन टू एडिट दैम यहाँ पर मैं आपको एक फीचर दिखाना चाहूँगा क्विक एडिट की तो क्विक एडिट की फीचर से आप एक्चुअली डिफाइन कर सकते हैं कि आपका कोई पेरेंट पेज है कि नहीं है तो so, ये आपको देख रहे हैं आपको ऑप्शन दे रहा है पेरेंट पेजेस को सिलेक्ट करने की और ऑर्डर डिसाइड करने की उसकी पब्लिश डेट चेंज करने की अगर आप उस पर कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे अगर आप पेज को प्राइवेट करना चाहते हैं अगर आप पेज एक नया बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं जो भी हम आपको दिखाएंगे बट लेट्स ट्राई टू सर्च फॉर अ पेज लेट्स ट्राई टू सर्च फॉर अबाउट पेज अबाउट पेज को जिस तरह भी आपने सर्च किया तो आपके सामने अबाउट का एक पेज आ गया इसी तरह दिस इज दी ब्यूटी ऑफ पेजेस एंड पोस्ट के एक बड़े हरारिकल वे में आपके पास चीजें यहाँ पे टेबलर फॉर्म में अवेलेबल हैं और इसको अगर हम एक पेज को नया क्रिएट करना चाहें तो आप एक नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं वी विल क्रिएट अ पेज राइट नाउ वी विल कॉल इट डीजी स्किल्स और अगर आप पब्लिश का बटन दबाएं तो ये पोस्ट पब्लिश भी हो जाएगी तो दिस इज अंपल एंड अमेजिंग वे टू क्रिएट पेजे आई वॉन्ट टू शो यू समर एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स ऑफ मैंगोबाज एग्जाम्पल ऑफ डब्ल्यू पी बिगिनर सो मैंगोबाज एक साइट है काफी पॉपुलर है पाकिस्तानी साइट है उस पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने पेजेस यहाँ पे किस तरह बनाए हुए हैं सो so, यहाँ पे आपको शायद वो पेजेस डायरेक्टली नजर नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने पेजेस को अपने मेन्यू में छुपाया हुआ है तो so, यहां पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने अबाउट एडवर्टाइज के कुछ पेजेस हैं जो दिखाई में जो हम अभी आपको दिखाएंगे भी उसके अलावा ज्यादातर आपको वो पेजेस उनके मिलेंगे साइट के फुटर में गो एंड लुक एट द फुटर तो यहां पे इन्होंने प्राइवेसी के एक पेज भी बनाया हुआ है तो दिस इज अगेन अ पेज आप देख रहे हैं इस पर सिंपल इन्फॉर्मेशन है कमेंट फीचर इन्होंने नहीं डाला हुआ कमेंट फीचर क्यों नहीं डाला हुआ बिकॉज ऑब्वियसली यू डोंट वांट पीपल टू कमेंट ऑन योर साइट्स प्राइवेसी पॉलिसी सो पेजेस आर ऑलवेज स्टैटिक ये इनका पेज था जो शायद इन्होंने खत्म कर दिया है तो क्योंकि पेज नॉट फाउंड लिखा आ रहा है इनके अबाउट पेज पर आप देख सकते हैं ये कह रहे हैं कि वी आर टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी सो इसी तरह एक और इन्होंने पेज बनाया हुआ है विच इज़ ऑन एच इसी तरह हम डब्ल्यू बिगिनर को देख सकते हैं डब्ल्यू बिगिनर पर भी इन्होंने कुछ पेजेस बनाए हुए जो हम उनके फुटर में जाके देख सकते हैं अस है अबाउट अस है सो so, ये कुछ पेजेस हैं जो आप अपनी वेबसाइट के लिए भी बना सकते हैं अबाउट अस कॉन्टेक्ट इसी तरह एडवर्टाइज विद अस ये कुछ पेजेस हैं जो आप बना सकते हैं एंड देन इसमें उन्होंने फॉर्म भी डाला हुआ है आप पेजेस में भी चीज़ें डाल सकते हैं यहाँ पे सैयद बल्खी के बारे में आप उनकी स्टोरी पढ़ सकते हैं अगेन कॉमेंट फॉर्म आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा so this is what we learned about pages pages are again very important because they help you organize content and pages ko aap kafi zyada use bhi karenge so go on try to create and manage pages and we will meet you in uh, the next lesson